गणतंत्र केवल राजनीतिक ढांचा ही नहीं होता जिसमें समय पर चुनाव द्वारा सरकार का गठन हो। गणतंत्र एक प्रक्रिया है जिसका आधार कानून की व्यवस्था है, साथ ही इसमें लोगों के अधिकारों का भी महत्व है। यदि किसी गणतंत्र में कानून की व्यवस्था लुप्त हो जाए या लोगों के अधिकारों पर राजनीतिक नियंत्रण थोपा जाए तो उसके गणतंत्र कहलाने पर सवालिया निशान लग जाता है। आज जबकि हम सगर्व अपना 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इस बात पर चिंतन मंथन हो कि क्या हमने अपने सभी गण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कर लिया है। क्या आज सभी भारतीयों को हैसियत और अवसर की समानता उपलब्ध है? क्या सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की संपूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है? और क्या हम अपने समाज में बंधुत्व की ऐसी भावना स्थापित करने में सफल हैं जिससे हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो सके? 6 दशक से अधिक के समय में हमने क्या खोया और क्या पाया? देश की आजादी तो ठीक है, लेकिन एक गणतंत्र के तौर पर सफलता की कसौटी पर हम कितना खरा उतर पाए? गणतंत्र दिवस पर हमने जो संविधान स्वीकार किया था वो कितना सफल रहा? चिंतन इस बात पर भी होनी चाहिए कि केंद्र राज्यों के संबंधों की जटिलता दूर करने की दिशा में क्या अड़चनें हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।